हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? ये SBIPO मेंस का हमारा फुल टेस्ट वन है। आज मैंने ये दिया था 58। इसमें मेरी रैंक आई है 4600 कुछ बच्चों में। 77 इसमें मेरा स्कोर रहा, 82% एक्यूरेसी थी और 98.77 इसमें मेरी परसेंटाइल रही है। रीजनिंग इसकी नॉर्मल थी, मतलब जैसे आप एक SBIPO के एग्जाम से एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ी हार्ड होगी, 50 में 14 एवरेज स्कोर है। मेरे हिसाब से थोड़ी एक्यूरेसी और अच्छी हो सकती थी, पर वो वाले क्वेश्चन काफी करे थे मैंने जिसमें एजम्पशन करना होता है, और वो तो उनमें गलतियां होती हैं, तो वही उन्हीं में थोड़े क्वेश्चन गलत हो गए होंगे। थी मैंने सिर्फ एक नंबर वाले करे थे, इसमें दो नंबर वाले नहीं करे थे। दो नंबर वाले काफी ज्यादा लेंदी लग रहे थे, और पहले मैंने वो सब करना चालू करा तो टाइम इतना बचा नहीं था, 20-25 मिनट बचे थे लास्ट में। तो मैंने छोटी पजल बनाई, वो पजल पूरी ठीक बनी थी, उसमें भी बहुत टाइम लग गया। बाद में फिर डी एंड आई क्वांट जो होती है हमारी मेंस की, बहुत हार्ड आई थी। इसमें क्वांट मतलब IBPS PO मेंस जिस जिसने दिया था अगर, तो IBPS PO मेंस लेवल में जैसे हमारी क्वांट बहुत ज्यादा हार्ड आई थी, वैसे ही यहाँ पर भी क्वांट काफी काफी हार्ड थी। पर वहां मेरे नंबर 13.5 कुछ नंबर आए थे, यहाँ नंबर और कम आए। शायद एक पजल थी वो दो नंबर वाली, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, वो लग रहा था पजल मतलब सॉरी DI थी एक, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन थे जिसमें पांच, उसमें मैंने शायद कुछ नेगेटिव हो गए क्योंकि मेरे को लग रहा था कि कुछ शायद उसके वैल्यूज गलत आई हैं। तो हो जाता कभी, थोड़ी हार्ड थी मतलब काफी हार्ड थी क्योंकि इतने कम नंबर आने के बाद भी परसेंटाइल बहुत अच्छी रही, तो मतलब सभी के नंबर कम ही आए होंगे। डी एंड आई काफी हार्ड थी, पर फिर भी थोड़ा अच्छा स्कोर हो सकता था इसमें। GK इसकी बहुत ज्यादा ईजी थी, मतलब मेरे 22 पॉइंट समथिंग नंबर आ गए, और दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे जो मैंने कल परसों में ही पढ़े थे तो वो याद थे अच्छे थे, और इजी आई थी, मतलब बहुत ही इजी जी आई थी। मैंने इस बार जितने में दिए उसमें तो किसी में इतनी इजी नहीं आई थी, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछे थे बहुत ज्यादा। और जो दो नंबर वाले क्वेश्चन थे वो मेरे तीन चार ज्यादा ठीक हो गए उस वजह से, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी काफी 79.1 मतलब लगभग 80% एक्यूरेसी है। तो क्वेश्चन तो मतलब तीन चार पांच गलत हुए हैं, पर पांच क्वेश्चन गलत होने के बाद भी मेरे इतने अच्छे मार्क्स इसीलिए आ रहे हैं, मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा जो 3-4 मिनट में करते वो सारे सही थे, और वो 2 मार्क्स क्वेश्चन अगर पेपर में वैसे आते हैं, क्योंकि पेपर में मेरे हिसाब से थोड़े हार्ड आएंगे, पर यहाँ 2 मार्क्स वाले मेरे को ईजी लगे। मतलब उसमें तीन चार आपको स्टेटमेंट्स भले ही पढ़नी थी, पर वो क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं थे, वो स्टैटिक बैंकिंग पे थे क्योंकि करंट वगैरह पे नहीं थे इतने, और कुछ ऑप्शन इजिली एलिमिनेट हो रहे थे, तो शायद पेपर में थोड़ा हार्ड हो जाए, पर यहाँ 2 नंबर वाले क्वेश्चन काफी ईजी थे। इंग्लिश वही नॉर्मल थी, दो एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, बाकी सारे पूरे अटेम्प्ट कर दिए थे, और 34.25 इसमें स्कोर रहा है, थोड़े ज्यादा ही आ गए उम्मीद से, क्योंकि दो तीन साइनोनियम एंटोनियम थे जो मेरे को भी नहीं आते थे, बहुत ज्यादा हार्ड थे वो दो चार साइनोनियम एंटोनियम्स, पर मैंने कुछ उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाए कि हाँ ये तो इसका साइनोनियम नहीं होगा या ये तो इसका एंटोनियम नहीं होगा, तो उन तरीकों से किया। और बाकी इसमें दो तो पजल आती है मेंस में आपको बताते, तो वो इजी थी, पैरा जंबल था, और ओवरऑल इसमें 77 मेरे मार्क्स आए हैं जो मैंने बता दिया था। बाकी सब में पूरा पूरा टाइम लिया, जीए हो गई थी बस, जितने क्वेश्चन आते थे उतने जो लग रहे थे मतलब कुछ वैसे उनको अटेम्प्ट करा जितने हो सकते थे, बाकी फिर स्किप ही कर दिया वाला सेक्शन। यहाँ पे तो पूरा टाइम उसमें देने की कोई जरूरत है नहीं, और फिर भी मैंने बहुत ज्यादा टाइम देना, मैं 2-3 मिनट में जीके हो जाती है, पर यहाँ इजी आई थी इसलिए थोड़ी हो गई, वरना जीए का सेक्शन थोड़ा भी गया। पर अगर ओवरऑल मैं अपने जैसा पेपर था और मैं अपने मार्क्स कंपेयर करूँ तो मेरे को रीजनिंग में कोई इतने खराब नहीं लग रहे, क्योंकि जो गलत हुए वो भी वही वाले क्वेश्चन है जिसमें हमको दिया होता है ऊपर, और फिर उससे हम क्या डेटा परसीव कर रहे हैं या इससे ऐसा हो सकता है, वो जो हमारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो थे। क्वांट थोड़ी हार्ड थी पर फिर भी मेरा स्कोर एटलीस्ट इसमें 15 के अराउंड होना चाहिए था, मतलब अटेम्प्ट्स का, और ओवरऑल आते भी 10+ तो आने चाहिए थे, 10 to 12। तो स्कोर से तो डी एंड आई में तो खासकर स्कोर से काफी ज्यादा निराश हूँ, पर होता है किसी एग्जाम में, कभी मॉक्स में ऐसा होता है, हो सकता है अगले में क्वांट में बहुत अच्छा स्कोर आ जाए, रीजनिंग में वो अप एंड डाउन चलते रहते हैं, इसीलिए हम मॉक्स देते हैं। पर ओवरऑल परसेंटाइल वगैरह सब ठीक है, तो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, सब ठीक है। अब काफी लोगों ने कमेंट करा था, मैं सोच भी रहा था कि मैंने ये इसकी वजह से पेन्स वगैरह भी डाउनलोड करे, मैं सोच रहा था कि इंग्लिश का जो हमारा एक सेक्शनल मॉक में दूं कि आपको कैसे इंग्लिश को अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे इंग्लिश के क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए, तो वही अभी देखूंगा अगर उसकी वीडियो बन पाए तो।
तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर